हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इंडिस्पलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक और तियांग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश है, अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी है। जॉनकुक और तियांग हर एक बच्चे और बूढ़े को बहुत हेल्प करते हैं, उन लोगों को मदद करते हैं। जॉनकुक अब पहले से बहुत सुधर गए हैं, अच्छा काम करते हैं और सब लोग उसको ब्लेसिंग देते हैं। सब लोग जॉनकुक से अब इतना प्यार करते हैं, ये देखकर तियांग को बहुत अच्छा लगता है कि जॉनकुक को इतना प्यार मिल रहा है, वो इतना अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब माफिया थे तो तब उसको कोई प्यार नहीं करते थे, तब भी करते थे लेकिन अभी भी करते हैं। तब जॉनकुक माफिया बन गए थे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। माफिया बनने के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ गए थे, लेकिन अब जब वो बिजनेस करने के लिए गए थे उसको कोई मदद नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी तियांग से शादी करने के लिए जॉनकुक ने बहुत हार्ड वर्क किया और तियांग से शादी किया। उसके बाद इन 3 सालों में जॉनकुक और तियांग दोनों साथ में मिलकर जियोन किम एंटरप्राइज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है और उसकी मदद से लोगों की मदद करते हैं, जिससे सबको बहुत अच्छे से रहने और खाने के लिए पैसे मिल जाते हैं। तो जॉनकुक भी बहुत ज़्यादा खुश है कि ते ने उसको इतना सपोर्ट किया। ते भी बहुत हार्डवर्क किया है जॉनकुक के साथ। लेकिन अब बारी है जॉनकुक और तियांग की शादी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की और इसकी फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा करने की। जॉनकुक और तियांग अपने बच्चे के बारे में सोच ही रहे थे कि तियांग वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं सुबह से। जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, बच्चे के नाम से ही तुम तो वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं होना तियांग? तियांग बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो जॉनकुक, कैसे हो सकते हैं, हम तो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं ना। जॉनकुक बोलते हैं, वो मैं कुछ दिनों से यूज़ करना भूल गया था, तुमने नोटिस नहीं किया है क्या? तियांग बोलते हैं, क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैंने भी नोटिस नहीं किया है, क्योंकि हम दोनों जब भी लव मेकिंग करते हैं एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि कुछ भी नोटिस करने का मौका ही नहीं मिलते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, सॉरी, मैं जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन शायद मैं भूल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हम भी तो यही चाहते हैं ना कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमारे पास भी एक बहुत ही क्यूट सा बेबी हो। तो तियांग बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैंने बच्चे के बारे में सुना मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रहा है। तो जॉनकुक बोलते हैं, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं थी, चलो चलकर टेस्ट कर लेते हैं, इससे हम कंफर्म हो जाएंगे और तुम्हें डर भी नहीं होगा। तो तियांग बोलते हैं, नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जॉनकुक बोलते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो ना चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ऐसे भी ठीक नहीं लग रहे हैं, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं भी हो तब भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जॉनकुक की बात सुनकर तियांग बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ ना? जॉनकुक बोलते हैं, मैं तो गेस कर रहा हूँ, शायद ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। तो तियांग बोलते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी सोलमेट के साथ बात करनी है, क्योंकि जिमिन के एक बेबी हो गए थे और वो बहुत ही प्यारा सा है, भीमिन, वो एक लड़की है, बहुत ही क्यूट है। तियांग जिमिन को कॉल करते हैं और उसको पूछते हैं, तुम जब प्रेग्नेंट हुए थे तुम्हें कैसा फील हुआ, कहीं तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ ना? जिमिन बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम मुझे कुछ खुशखबरी सुनाने नहीं वाले हो ना? तियांग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जॉनकुक को ऐसा लग रहा है। तो जिमिन बोलते हैं, एक कौन सी बात है, जॉनकुक को ऐसा लग रहा है, क्या मतलब, प्रेग्नेंट तुम होने वाले हो या फिर जॉनकुक? तियांग जिमिन को बोलते हैं, तुम कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तुम जानते तो हो फिर भी ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? जिमिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर तुम प्रेग्नेंट होने वाले हो तो बात तुम्हें पता होना चाहिए, ना ही जॉनकुक को। तो तियांग बोलते हैं, नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं चला कब कैसे क्या हो गया है। जॉनकुक ने कहा कि वो, जिमिन बोलते हैं, क्या उसने प्रोटेक्शन नहीं यूज़ किया है क्या? तो तियांग बोलते, नहीं। तो जिमिन बोलते, तुमने नोटिस नहीं किया वो क्या करता है क्या नहीं, तो तुम्हें तो याद होना चाहिए ना।
वो तो ये सब कुछ करेगा ही, क्योंकि तो चाहते ही ऐसा है कि वो तुम्हें प्रेग्नेंट कर दे और तुम हो भी गए। तो जिमिन की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तुम भी तो ऐसे ही हुए थे ना, क्योंकि युंगी ने तुम्हारे साथ, और तुम्हें भी तो नहीं पता चला ना, तो तुम मुझे क्वेश्चन मत करो। जिमिन मुस्करा के बोलते हैं, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। जॉन को कहा है? बोलते हैं त्यांग, मेरे साइड पे ही है। लेकिन क्यों? जिमिन बोलते हैं, लाउड स्पीकर करो। तो त्यांग बोलते हैं, तुम लाउड स्पीकर में क्या बोलने वाले हो, मेरे साथ बात करो ना। लेकिन जिमिन बोलते हैं, नहीं, मुझे उससे भी कुछ कहना है। तो त्यांग बोलते हैं, ठीक है, मैं लाउड स्पीकर कर रही हूँ, तुम बात करो। जिमिन बोलते हैं जॉन को, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? जॉन को बोलते हैं, अब मैंने क्या कर दिया है, तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिमिन बोलते हैं, तुम लोग होते ही ऐसे हो, बिना कुछ बोले ही कब भी कुछ भी कर लेते हो और हम लोगों को फंसा देते हो। तुम्हें पता भी है एक प्रेग्नेंट इंसान को कितने पेन सहना पड़ते हैं। तुमने ऐसा कैसे किया मेरे सोलमेट के साथ? बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। युंगी यहाँ पे आ जाते हैं और जिमिन को बोलते हैं, तुम त्यांग को डरा रहे हो। त्यांग, ऐसा कुछ नहीं है, जिमिन तुम्हें डरा रहा है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे और तुम बेबी को जन्म दोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखना, पहले थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन बेबी हो जाने के बाद तुम बहुत ही अच्छा फील करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? बेबी को तुमने जन्म दिया है या फिर जिमिन ने? जिमिन बोलते हैं, ऑब्वियसली मैंने। तो युंगी बोलते हैं, लेकिन मुझे इसलिए पता है क्योंकि जिमिन ने मुझसे कहा, और उसकी फेस पे जो स्माइल था ना, जब बेबी दुनिया में आ गए थे तब वो देखने वाले थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बेबी को अपने सीने में लगा कर रखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी इस तरह से बेबी को प्यार करते हुए देखकर। मैं तो चाहता हूँ जिमिन दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए। जिमिन युंगी को बोलते हैं, तुम मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ। तुमने मुझे बहुत ही मुसीबत में डाल दिया था, तुम्हें पता है, मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। लेकिन त्यांग, ये फीलिंग जो है ना, वो बहुत ही प्यारा सा है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही टाइम आगे निकलते जाएंगे ना, तुम इसको और भी ज़्यादा फील करने लगोगे और उसके साथ इतना क्लोज हो जाओगे ना कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हें पेन होगा या नहीं। जब बच्चे को अपने हाथ में लोगे, अपने सीने में लगाओगे, जो दर्द होंगे तुम्हें वो सब कुछ भूल जाओगे। आई प्रॉमिस कि तुम अच्छा फील करोगे। जॉन को जिमिन को बोलते हैं, जिमिन के बच्चे, मैं तो तुम्हें देख लूँगा, तुमने मेरी त्यांग को डरा दिया, तुम्हारे वजह से वो डर रहे हैं। तो जिमिन बोलते हैं, हाँ हाँ, तुम मुझे देख लेना। युंगी बोलते हैं, तुमने क्या कहा? तुमने जॉन कुक से कहा तुम्हें देखने के लिए? जॉन कुक, तुम मेरे जिमिन को नहीं देखोगे। अगर तुम मेरे जिमिन को देखोगे ना, तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। जॉन कुक बोलते हैं, माफिया मैं हूँ या फिर तुम? युंगी बोलते हैं, तुम माफिया थे लेकिन अभी नहीं हो, तो मैं अब तुमसे डरता नहीं हूँ। जॉन कुक बोलते हैं, मैं माफिया था, इसका मतलब मेरे अंदर अभी भी वो माफिया वाला एटीट्यूड है, अगर मैं चाहता ना तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तो त्यांग उसको बोलते हैं, तुमने क्या कहा? जॉन कुक बोलते, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसा थोड़ी कुछ करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कितना पहले से कितना जेंटलमैन बन गया हूँ, तुम जानते हो ना? त्यांग बोलते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। तो जॉन कुक बोलते हैं, इन सारी बातों को छोड़ो ना, अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जिमिन डॉक्टर है क्या जो तुम उसके साथ बात कर रहे हो? वो तुम्हें और भी ज़्यादा डरा रहे हैं। और युंगी, तुम अपनी जिमिन को संभालो, वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि उसको पता नहीं है किस टाइम पे क्या बात करना चाहिए। युंगी बोलते हैं, तुम मेरे जिमिन को बेवकूफ़ मत बोलो, ठीक है, वरना मैं तुम्हें। जॉन कुक बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, देख लेना। उसके बाद कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पे त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। जॉन कुक बोलते हैं, ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। तो जॉन कुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, कुछ देर पहले तो तुम तैयार हुए थे ना, तो आप दोबारा से क्यों तैयार हो गए? जॉन कुक बोलते हैं, वो ऑफिस के लिए था लेकिन अब डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, तुम ऑफिस जाओ या फिर डॉक्टर के पास, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी तुम हैंडसम ही लगोगे।
जोंगकुक बोलते, नहीं ये फॉर्मल ड्रेस है, मुझे नॉर्मल सूट पहनने हैं। उसके बाद जोंगकुक ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनते हैं और त्यांग भी तैयार हो जाते हैं, वो भी ब्लैक ही पहना हुआ था। दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे और त्यांग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जोंगकुक तो त्यांग को घूरने जा रहा था, वो सोफे पे बैठ के त्यांग को देखे जा रहे थे। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जोंगकुक बोलते हैं, तुम आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है? त्यांग बोलते हैं, क्या सच बोल रहे हो तुम? लेकिन मुझे तो तुम हैंडसम लग रहे हो और हॉट भी, तुम ब्लैक सूट में और भी ज़्यादा हॉट लगते हो जोंगकुक। जोंगकुक बोलते हैं, तुम भी कुछ कम नहीं, चलो मैं तुम्हें मिरर के सामने लेकर चलता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना ग्लो कर रहे हो, तुम्हारे फेस पे एक लाली सा है जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो फिर जोंगकुक त्यांग को मिरर के पास लेकर जाते हैं और उसको बोलते हैं, देखो क्या देख रहे हो तुम्हें, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। त्यांग बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें पहले ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा था? जोंगकुक बोलते हैं, ऐसा नहीं बीबी, तुम हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम बेबी को जन्म देने वाले हो और तुम प्रेग्नेंट हो। जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, जोंगकुक तुम तो इसको श्योरली बोल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? जोंगकुक बोलते हैं, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं तो तुम्हें प्रेग्नेंट बना ही दिया है, अब सिर्फ डॉक्टर की बोलने की देरी है। त्यांग जोंगकुक को घूसा मारते हैं उसके सीने में। जोंगकुक बोलते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से लगी है त्यांग, तुमने क्या किया, मैं मरने वाला हूँ। जोंगकुक की इस एक्टिंग को देखकर त्यांग समझ जाते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, तुम्हें कहा ना ऐसी मजाक मत करो मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जोंगकुक बोलते हैं, तो तुमने मुझे मारा क्यों, अगर मुझे चोट लग जाता तो? त्यांग बोलते हैं, तुम इतना कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो जोंगकुक, मुझे अच्छी तरह से पता है, अब एक्टिंग करना बंद करो और डॉक्टर के पास मुझे लेकर चलो। हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, तुम चाहते हो कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो अब तो मुझे प्रेग्नेंट होना ही है और तुम्हें एक बहुत ही क्यूट सा बेबी गिफ्ट करना है क्योंकि तुम्हें पसंद है ना? जोंगकुक त्यांग की फेस पकड़ के बोलते हैं, मुझे तो तुम भी बहुत पसंद हो त्यांग, क्योंकि तुम हो ही इतना प्यारा और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे साथ जो चीज़ जुड़ा हुआ है मैं उन सारी चीज़ों को प्यार करता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स और अब तुम जो बच्चे को जन्म देने वाले हो उसे तो मैं इतना प्यार दूंगा कि उसको पता चलेगा कि जोंगकुक जैसे डैड बहुत ही नसीब से मिलते हैं। जोंगकुक त्यांग से बोलते हैं, त्यांग क्या मैं सच में अच्छा डैड बन पाऊँगा ना? हाँ बहुत ही अच्छा डैड, मैं उन लोगों की आइडल बनना चाहता हूँ। त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे अच्छे डैड कोई और बन ही नहीं सकता है, मैं जानता हूँ और मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम बहुत ही अच्छा सा डैड बनोगे। जोंगकुक बोलते हैं, और मुझे तुम्हारे भरोसे पे भरोसा है और मैं ये भी जानता हूँ त्यांग तुम भी बहुत ही अच्छा डैड बनोगे। उसके बाद जोंगकुक और त्यांग डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, त्यांग सच में बेबी को जन्म देने वाले हैं। जोंगकुक बहुत खुश हो जाते हैं और त्यांग को अपने गोद में उठा लेते हैं और पूरी हॉस्पिटल को चीखकर बोलने लगते हैं कि मैं डैड बन जाऊँगा और सब लोग मेरे त्यांग के लिए प्रे करना। तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इन दोनों को खुश देखकर इन दोनों को ब्लेसिंग करते हैं। और एक ओल्ड मैन आकर जोंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम दोनों न्यू मैरिड कपल हो? तो जोंगकुक बोलते, नहीं हम दोनों की शादी को 4 साल हो गए हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, 4 साल बाद तुम लोग बच्चा कर रहे हो, इतने साल में क्यों नहीं किया? तो त्यांग बोलते हैं, वो कुछ ऐसी बात है जिससे जोंगकुक को थोड़ा सा डर लग रहा था पहले, लेकिन अब शायद वो ठीक हो गए हैं और उसको पता चल गया है कि वो अच्छा डैड बन सकते हैं, इसलिए तो जोंगकुक इतना खुश है और मुझसे पहले उसको पता चल गया कि वो डैड बनने वाले हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं, तुम दोनों को कंग्रेचुलेशन, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और ऐसे ही खुश रहना। त्यांग तुम अपना ध्यान रखना,
जोंगकुक बोलते हैं, उसको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ। ते अपना ध्यान नहीं रखते हैं, मैं हूँ ना उसका ध्यान रखने के लिए। त्यांग बोलते हैं, मैं अपना ध्यान इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि तुम मेरा इतना अच्छा ध्यान रखते हो कि मैं खुद का ध्यान रखने के बारे में भूल ही जाता हूँ। उसके बाद जोंगकुक हॉस्पिटल के एक सर्विस मैन को पैसे देते हैं सबको मिठाइयाँ बांटने के लिए, क्योंकि जोंगकुक बहुत खुश है कि वो फादर बनने वाले हैं। उसके बाद जब त्यांग और जोंगकुक घर वापस आ जाते हैं, जोंगकुक त्यांग को गले लगा लेते हैं और उसको कहते हैं, थैंक यू त्यांग कि तुम मुझे डैड बनाने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ। त्यांग जोंगकुक के होठों पे किस करते हैं और ये किस अब बहुत लंबा चलने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ही बहुत खुश हैं। आप लोग खुश तो हो ना यार? किसी ने मुझे कमेंट किया कि मैंने जोंगकुक की मादर के बारे में पहले कुछ कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं मिडिल नाइट में रिकॉर्डिंग करती हूँ और तब सोने का टाइम होते हैं और मैं बिना सोए आप सबके लिए एक्सप्लेन करती हूँ, और एक वीडियो नहीं दो तीन वीडियो तो बना ही लेती हूँ, और इसके लिए टाइम भी लगते हैं, है ना? डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं क्योंकि बाहर नॉइज़ भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉग जो है वो चिल्लाता नहीं है, तो सबको इग्नोर करते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग करने पड़ते हैं और नींद भी आती है क्योंकि इंसान हूँ तो गलती हो सकते हैं। मैंने जोंगकुक की मादर के बारे में कहा कि वो डेथ हो गए हैं उनके, लेकिन किसी ने कहा मैंने पहले उसके मॉम के बारे में कुछ कहा था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं की ना। हो सकते हैं इंसान से गलती हो ही सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर होती है तो इट्स ओके, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ओके, तो इस कहानी को अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।